हेलो दीदी। हेलो। अच्छा, एक पेशेंट ने ये पूछा है कि मुझे एक्ने बार बार, एक्ने का ब्रेकआउट बार बार हो जाता है, तो ऐसे में क्या करूँ कि वो बार बार ना हो एक्ने। तो एक्ने का मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि आपके जो डक्ट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक आप सिंपल मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन फॉलो करेंगे, अपने फेस को क्लीन रखेंगे, तो ये बार बार होने की टेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक जेंटल फेस वॉश यूज़ करें जो कि AHA BHA वाला हो, जो कि आपके फेस को अच्छे से क्लीन करेगा, आपके पोर्स को भी क्लीन कर देगा। उसके बाद आप एक नियासिनमाइड सीरम लगाएं, फॉलोड बाय अ लाइट वेट मॉइस्चराइजर लोशन बेस्ड, और उसके ऊपर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। ये तो दिन में हो गया, रात में फिर से AHA BHA फेस वॉश से वॉश करें अपना चेहरा। उसके ऊपर आप कोई भी बेंजाइल परोक्साइड जेल लगाएं सिर्फ दानों दानों के एरिया पे, और उसके ऊपर फिर से एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगा लें। हफ्ते में 2 या 3 बार एक्सफोलिएशन करें। वो कैसे करेंगे? वो आप सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाएं अपने पूरे चेहरे पर, जिससे कि और थोड़ी सी डीप आपकी क्लिंजिंग हो जाएगी। ये सब आप 2 से 3 महीने करेंगे तो मुझे लगता है आपका जो ब्रेकआउट है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि एक्ने का कोई भी वन टाइम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, तो आप इसको अगर मेंटेन करते रहेंगे तो आपका चेहरा क्लियर रहेगा। थैंक यू। नियासिनामाइड सीरम क्या करती है? नियासिनामाइड सीरम आपके ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करती है, तो जो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं वो नहीं होगा। ओके, थैंक यू।